नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है, एवं यदि आपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली और सही तरीके की जानकारी प्राप्त कर ली तो इसके प्रयोग से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। यदि आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ आपका रुका काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने पानी का सही रूप से प्रयोग करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम बन जाएंगे, गरीबी दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है, एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाएं उसके छिड़काव से। किंतु आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका प्रयोग करना यदि आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपका कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है या आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक प्रयोग सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको तरीके से करना होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा। यदि आपने इस वीडियो की एक भी लाइन मिस गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का प्रयोग करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपका एक रुपया का खर्चा नहीं होगा, किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं इस देखने के पश्चात। हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-6 मिनट ले लें, किंतु यकीन मानिए इसी वीडियो को देखने के पश्चात आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दलित नेता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पे अवश्य आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। यदि एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक व्यक्ति खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत ताकत माना गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने यदि पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का यदि आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वास करने लगती है। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग जो होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें यदि आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं केवल पानी से। यदि आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है, शत्रु बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बैरक से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है,
कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। किंतु आज के पश्चात आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण पानी का प्रयोग करके आप अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए यदि आपको पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका शत्रु आपके घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। यह एक आसान सी क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रु के जीवन को बरपश्चात कर सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बरपश्चात हो जाए, आपके जीवन सुख समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा। किंतु स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग करते हुए आप अपने शत्रु को बरपश्चात कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वादिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। किंतु बदले में यदि कोई व्यक्ति उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है, तो स्वादिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यान पूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु उससे पहले आप यदि चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखिएगा हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य देखिए हर हर महादेव। अब आप कम समय नष्ट न करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें, स्वादिष्ठान चक्र का यदि आपको प्रयोग करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बरपश्चात हो जाए, तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, ये चेतावनी है, वरना स्वादिष्ठान चक्र का जो होगा वो आप पर भी आ सकता है। यदि आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का इंतजाम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी परछाई को देखना है। ध्यान रखिएगा, जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से आपका छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आपको आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। ये प्रक्रिया केवल आपको 7 दिन करनी है, सुबह और शाम, सुबह 7 बजे से पहले, शाम को 7 बजे के पश्चात। ये प्रक्रिया यदि आपने कर ली, आधे घंटे तक आपको करना है, ये 7 दिन तक आप यकीन मानिए, जो आपका शत्रु होगा वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। यदि वो आपके बारे में गलत करने के लिए प्रयास करेगा, उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। आपको बता दे, आपका शत्रु आपके बारे में सोच सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वो आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता बदल लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र माना गया है। स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे और मिट्टी का जो भी गिलास होता है, उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाएगा। स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग करके आप अपने को पूरी तरह से बरपश्चात कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का प्रयोग करके हमने इन एक आदमी का जीवन बरपश्चात कर सकते हैं। तो आपको बता दें, स्वादिष्ठान चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी ने एक जीवन को बरपश्चात करें। स्वादिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है शत्रु की बर्बादी के लिए, नेगेटिव ताकतों को रोकने के लिए। इसलिए यदि आप स्वादिष्ठान चक्र का इसलिए प्रयोग करना चाह रहे होंगे, क्या आप एक भले इंसान का जीवन बरपश्चात कर दें, तो ध्यान रखिएगा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। किंतु यदि कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बरपश्चात करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों,
अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप लोग कर्जे से परेशान चल रहे हैं, आपके घर में पैसे आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं कि कैसे अब अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा जिसके बारे में अब आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी से दलित रहता से आपका व्यापार नहीं चल रहा है, पैसे आने का रास्ता बंद हो गया है, तो इसके लिए जो मंत्र का जाप करना होगा वो होता है श्री बी। श्री बी मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। आप अपने जीवन से दलित नेता गरीबी को जाते हुए देखेंगे, भगवान भोलेनाथ और महालक्ष्मी का आशीर्वाद आते हुए देखेंगे। आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। जैसा हमने आपको पहले वाले मंत्रों में बता ही दिया था कि जो भी पहली क्रिया थी उस क्रिया के अंतर्गत आपको पहले 7 बजे से पहले उन मंत्रों का जाप करना था, किंतु इस मंत्र में सब कुछ उल्टा है। इसमें आपको 7 बजे ना 7 बजे के पश्चात मंत्र का जाप करना है। मंत्र जो होता है इसका जाप करने के लिए आपको एक क्रिया अलग तरीके की अपनानी होगी, मतलब जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार आपको शरीन बीज का जाप करना होगा, वो भी 2 मिनट तक आपको करना होगा। आपके मन में ये सवाल अवश्य आ रहा होगा कि हर बार हम कैसे इसका जाप कर सकते हैं, इसलिए हम आपको इसका विकल्प बताने जा रहे हैं और शरीन बीज का काम कैसे होता है वो भी बताने जा है। इसीलिए वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। आपको बता दें, श्री बीस मंत्र जो होता है वह ऐसा मंत्र होता है जो सीधे सीधे बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोग जपते हैं और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी का भी इसमें आशीर्वाद आपको मिलता है, इसीलिए धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। मंत्र यदि आप पानी पीते वक्त हर बार नहीं बोल सकते हैं तो आपको इसके लिए एक अलग विकल्प करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको लाल गुलाब चाहिए होगा। इस लाल गुलाब को आप किसी भी एक गिलास के बोतल में डाल दीजिए, मतलब एक गिलास के पानी में डाल दीजिए और अपने हाथ में पकड़ के बिना चप्पल, ओके, आपको आधे घंटे तक का जाप करना होगा। अब आपको करना यह है, किसी एक बड़ी बोतल में या किसी एक जग में पानी भर लीजिए और उसी में ये जो आपने श्री वाला पानी तैयार किया है इसको पलट लीजिए और पूरे इस पानी का प्रयोग कीजिए। इसी पानी को आप लोग पीते रहिए। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपने पानी के साथ का जाप किया था उस पानी के अंदर अभिमंत्रित मंत्र हो गया था, मतलब वह पानी जो है अभिमंत्रित हो गया था। अब इस अभिमंत्रित पानी को जब आपने जब बोतल में पलटा तो यह अभिमंत्रित पानी उस पानी को अपने अंतर्गत मिला लेता है और अभिमंत्रित कर देता है। अब आपको जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, हमारे शरीर में 70% पानी होता है और जब इस पानी का धारण करते हैं आपके शरीर में ये जाता है, तो यहाँ आपका पानी जो शरीर में जा रहा है ये आपके शरीर को अभिमंत्रित कर देता है और इससे आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, आपके शरीर में आपको एक अलग सी ऊर्जा देखने को मिलेगी। बाबा भोलेनाथ का जहाँ आपको एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, वहीं पे माता लक्ष्मी आपके लिए धन के दरवाजे खोल देंगी। सरल भाषा में आपको बताएं, आपके जीवन में आपको धन की वृद्धि, भाग्य का साथ, सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्त, तो ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हिंदू पुराण के हिसाब से ये जानकारी एकदम स्पष्ट जानकारी है, साफ जानकारी है और ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल के रख सकती है। आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं और जैसा हमने आपको पहले बता दिया था, 1 रुपया का आपका खर्चा नहीं है, केवल इस मंत्र का जाप करके आप अपने को बदल सकते हैं, आपका परिवार सुखमय हो सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल ज्योतिषा ग्रंथ गंगा हिंदू पुराणों के हिसाब से काम करता है और हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जन कल्याण। इसीलिए आपसे एक निवेदन था, हिंदू भाइयों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी अपने जीवन में आगे जा सके, उनका भी सुख हो सके और उनके सुख से आपको भी पुण्य मिले और हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। कर्ज मुक्ति के लिए के दिन 1.25 साबुत मूंग लेकर उसे उबाल लीजिए, फिर इसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दें। इस उपाय को लगातार 5 या 7 बुधवार करें, इससे आपको शीघ्र ही कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।